वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज का ये वीडियो फूड और न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम लोग वाटर एंड डाइट्री फूड मीन्स रफेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कल की टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने टाइप ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कशन किया था। फूड्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। और ये किन सोर्सेस से मिलते हैं आप इन्हें फिगर में देख सकते हैं। और इसके साथ ही टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। न्यूट्रिएंट्स मेनली फाइव टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये किन सोर्सेस से मिलते हैं आप इसे गिवन चार्ट में भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग अपनी आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की टॉपिक है डाइट्री फाइबर, जिसे हम लोग रफेज भी बोलते हैं, एंड वाटर। डाइट्री फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स, ये सभी रफेज के मेन सोर्सेज। और अब हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जान लेते हैं। वाटर फूड डाइजेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करता है और डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में भी, और इसके साथ ही ये हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए एवरीडे हमें एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर ज़रूर पीना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी से सारे वेस्ट रिमूव हो सके और हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से हो सके। जब हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होती है तो फूड न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए हमें एवरीडे अपने मील में सफिशियंट अमाउंट में रफेज और वाटर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए।